बालाघाट तालुका के शाहलंगड़ी परिसर के वना नदी पात्र के डंकीन के नजदीक 1 फरवरी को गौना खनिज पथक पर हमला करने वाले आरोपी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग के लिए आज विदर्भ पटवारी संघ द्वारा उप विभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया। इस वक्त उप विभागीय अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में मांग की गई कि शाहलंगड़ी परिसर के वना नदी पात्र के डंकीन के पास 1 फरवरी को नायब तहसीलदार विजय पवार तलाठी आम्बादेव केंद्र के रेत चोरी बाबत सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए रेती घाट पर 5 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित रेत उत्खनन करते हुए लोग दिखाई दिए। उन पर न्याय अनुसार कायदेशीर कार्रवाई करते समय सदर ट्रैक्टर के चालक मालक व मजदूर इत्यादियों ने पत्थरबाजी करके उन पर हमला कर दिया। उस वक्त अधिकारी व तलाठी को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। कार्यवाही दंड अधिकारी नायब तहसीलदार साथ में होने पर भी ऐसा होता रहता है तो सामान्य तलाठी मंडल अधिकारी कोतवाल वरिष्ठ के आदेश को किसी भी संरक्षण के बिना काम को कैसे अंजाम दे सकते हैं। कभी भी मोटरसाइकिल से ऐसी कार्रवाई के लिए जाते समय उनके साथ क्या भी हो सकता है, इसकी कल्पना की जा सकती है। उक्त हमला सुबह हुआ था, यही अगर प्रसंग रात को होता तो उस अंधेरे में क्या से क्या हो जाता, उनकी जान भी नहीं बच सकती थी। इसके पूर्व भी जिले में कर्मचारियों पर ऐसे हमले होते रहते हैं, लेकिन संबंधित आरोपियों पर कठोर कार्रवाई ना होने से इन रेती माफियाओं का मनोबल बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से तलाठी संवर्ग में डर व दहशत निर्माण हो गई है, जिस वजह से विदर्भ पटवारी संघ उप विभागीय शाखा हिंगनघाट तीव्र शब्द में इसका निषेध करती है और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसी गुजारिश विदर्भ पटवारी संघ नागपुर उप विभाग शाखा हिंगनघाट के द्वारा की गई। इस प्रसंग पर हिंगनघाट उप विभाग के तलाठी बड़ी संख्या में धरना आंदोलन में सहभाग हुए थे। समाविष्ट असलेले श्री अंबादेव साहेब यांच्यावर दिनांक 1/2/2023 रोजी सकाळी 6:30 वाजता रेती माफियांनी हल्ला केला आणि याच्याही पूर्वी अशाच प्रकारचे भ्याड हल्ले करत राहिले ते, त्याच्यामुळे आम्हाला एक दिवसाचं लक्षवेधी आंदोलन करणं भाग पडलं। एक तर आम्हाला शस्त्रधारी आमच्या पथकासोबत असावी, दुसरी गोष्ट यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी। वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची काय भूमिका आहे त्यात? वरिष्ठ अधिकारी वेळी आम्ही यांना हे दिलं ना, निवेदन दिलंय त्यांना। पटवारी संघ उपविभाग शाखा हिंगनघाटतर्फे आज हे एक दिवसीय धरणे आंदोलन आम्ही शांतता मार्गाने इथे अवलंबत आहोत। याचं खरं कारण म्हणजे यापूर्वी बरेचदा आमचे जे तलाठी बंधू कोतवाल मंडळ अधिकारी यांच्यावर अनेकदा रेती माफियाकडनं दोन पाच जेव्हा जातो तपासणीला त्यांच्यावर हल्ले झालेले आहे। वरिष्ठाकडून आम्हालासुद्धा वेळोवेळी असे बंधनं लादले जातात का नाही तुम्ही त्या घाटावर जा, वेळप्रसंगी आम्हाला मोटरसायकलनं तिथं कोतवाला घेऊन जावं लागतं, त्यावेळेस आमच्या जीवाचं काय होत असेल याची कल्पना न केलेली बरी, कारण नायब तहसीलदार आणि कार्यकारी दंडाधिकारी पवारसाहेबसारखे सोबत असताना जर असे हल्ले होत असेल तर सामान्य तलाठ्यांनी ह्या ड्युट्या कशा करायच्या, याविषयी आम्ही वरिष्ठांकडे बऱ्याचदा मागण्या केल्या। आता कुठं थोडी जाग आल्यासारखं झालं, आता सशस्त्र एक माजी सैनिक नेमलेले आहेत, ते जर आमच्या पथकासोबत आले तर आम्ही ड्युटी करू, तसेच आमच्या वरिष्ठ अधिकारी किमान कार्यकारी दंडाधिकारी तरी आमच्यासोबत असावा जेणेकरून आम्हाला आमच्या जीविताची हमी राहील, तरच आम्ही यापुढे अशा ड्युट्या करू आणि याच मागणीसाठी आम्ही हे आजचं आंदोलन इथे सुरू केलेलं आहे। NBCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवी येनूरकर की रिपोर्ट।